सो एक घंटा पूरा होने के 22 पिछली वाली लाइव जो है वो बंद हो गई थी, इसके लिए जी माजरत करती हूँ। फेसबुक पे सब लोग वापस आ गए। ओके सो जी हुआ ये था एक घंटा पूरा होने के 22, क्योंकि 3 से 4 बजे तक रोज़ाना ये शो होता है, इंस्टाग्राम की लाइव ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है एक घंटा पूरा होने के बाद, तो उसके लिए जी माजरत करती हूँ। और टॉरिस गर्ल जी मैसेज करती हैं आवाज़ें आप परेशान नहीं हुए, वो आवाज़ें गले से आ रही थी। मेरे रूम के नीचे पार्किंग है, वहाँ पर अक्सर कुछ लोग बैठे हुए होते हैं, इसी तरह आवाज़ें निकालते हैं। तो जी आखिरी तस्वीर की स्टोरी यहाँ तक पहुँची थी कि उनका जो निकाह था वो जलालाबाद के सूबेदार के साथ हो गया। हाँ जी जो जी वो तबरेजी थे, जब जलालाबाद का सूबेदार वापस आया तबरेजी लपक के उसके इस्तकबाल को आगे बढ़ा और शहाना मसनद पर ले जाके बिठा दिया। सूबेदार ने जूते उतारने की भी जहमत को गुवारा ना किया, हकारत से नज़र से दाएं बाएं देखता हुआ मसनद पर जा बैठा और करख्त आवाज़ में बोला, तबरेजी मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, फ़ौरन निकाह की रस्म अदा होनी चाहिए। बहुत बेहतर जनाब, सब लोग हाजिर हैं, उसने नादिर जमान को इशारा किया। वह दूसरे कमरे से निकाह खुआ और उसके दो शागिर्दों को बुला लिया। उन्होंने आते ही मौजूद मेहमान को फर्शी सलाम किया। काजी साहब ने निकाह का खुतबा पढ़ाया और 1 लाख का शफी मेहर की उस फिरोज़ा का निकाह सूबेदार जलालाबाद से हो गया। इस तमाम अरसे में सूबेदार ने एक मरतबा भी पलक न झपकाई, ऐसा लगता था जैसे उसकी पलकें मसनूई हैं और उसमें झपकने की हिस ही नहीं है। एक पुरसरार सी हिब्बत तमाम हाजरीन महफिल पे छाई रही। निकाह की रस्म मदा होते ही उसने लिबादे में हाथ डाल के चंद शर्फियाँ निकाली और निकाह खुआ की तरफ फेंक दी। एक बार फिर तस्लीमात और अदाब के मरहले तय हुए और काजी साहब अपने शागिर्दों को लेकर रुखसत हो गए। तबरेजी दुल्हन की रुखसती के लिए तैयार है? सूबेदार ने पूछा। जी आली जान, लेकिन आप खाना तो तनावल फरमा लीजिए। नहीं, हमें बहुत जल्दी है, तुम जानते हो जलालाबाद यहाँ से खासी दूर है और रास्ते में डाकू लुटेरों का भी खतरा है, इसलिए हम ज्यादा ताखीर पसंद नहीं करेंगे। हवेली से बाहर हमारा घोड़ा गाड़ी खड़ा हुआ है, फौरन दुल्हन को हमारे साथ रुखसत कर दो। सो जी फिरोज़ा का जो था निकाह उसके साथ हो गया। अब यहाँ से इस दास्तान का वो शरबा आगाज़ होता है जिसका इल्म मेरे जदे अमजन तुर्क ताज खान खुद नादिर जमान ने उनको अपनी ज़बानी बताया। फिरोज़ा और सूबेदार की शादी से नौजवान मसव्वर की दुनिया वीरान हो गई, लेकिन आफरी ने कि उसके सब्र इस्तकलाल पर कि उसने एक लफ्ज़ अपने मुँह से शिकायत ना की। तबरेजी खान फिर अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात में गुम हो गया। उसे इस मुतालिक को एहसास ही ना था कि नादिर जमान के दिलो दिमाग पे क्या बीत रही है। वो एक ऐसी आग में जल रहा था जो उसकी मौत के साथ ही ठंडी हो गई, जो उसकी मौत के साथ ही ठंडी हो सकेगी। नादिर जमान ने अपने आप को मसवरी के फन में डुबो देने की कोशिश की। वो 16-16 और 20-20 घंटे मुसलसल अपने तस्वीर खाने में मसरूफ़ रहने लगा। उसकी सेहत रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही थी, मगर उसे कोई होश ना था। हवेली का बूढ़ा चौकीदार अफजल बेग उसे कभी कभार समझाता बुझाता, लेकिन बेसबूत। नादिर जमान पंदो नसीहत का अब कोई असर कबूल करने से कासिर था। उसकी जान शमा के मानिंद आहिस्ता आहिस्ता घुलती जा रही थी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरने लगा। 1 महीना 2 महीना 3 महीने और इस तमाम अरसे में एक बार भी फिरोज़ा की खैर खबर सुनने में ना आई। ना जलालाबाद से उसके शोहर ने कोई ख़त तबरेजी के नाम अरसाल किया। कई मरतबा तबरेजी ने कई मरतबा तबरेजी ने उन्हें खत लिखे, लेकिन उनकी कोई खत ना आए। अलबत्ता हुआ कुछ हुई कि वो उसे ढूंढते ढूंढते परेशानी के हाल में उसको ढूंढते ढूंढते परेशानी के हाल में जलालाबाद के सूबे की तरफ चले गए और ढूंढने लगे कि वहाँ कोई जलालाबाद का सूबेदार है भी कि नहीं। लेकिन जलालाबाद में जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक घर था, उस घर के करीब ही 2 सियाह रंग के शानदार घोड़े बंदे चारा खा रहे थे कुछ फासले पर।
बहुत नफीस सी एक बग्घी खड़ी थी। तबरेज़ी ने फ़ौरन पहचान लिया कि ये वही घोड़े और ये वही गाड़ी है जो जलालाबाद का पुरसरार सूबेदार शब के 9 बजे अपने साथ लाया था, जिसमें वो फिरोजा को सवार करके ले गया था। वो वहां पे पहुंचे और उसके बारे में सवाल करने लगे। दरवाजे पे पहुंचे तो चंद लम्हों बाद एक 70-80 बरस का बूढ़ा मकान के अंदरूनी खंडर से बाहर आया और उन्हें देख के कहने लगा कि आप लोग कौन और क्या चाहते हैं। जिस पे तबरेज़ी ने कहा कि मुझे सूबेदार जलालाबाद से मिलना है। बड़े मियाँ, क्या आप उनका पता बता सकते हैं? सूबेदार जलालाबाद? बूढ़े ने हैरत से कहा, मैं नहीं जानता वो कौन और कहाँ रहता है। तबरेज़ी ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये घोड़े और गाड़ी क्या उसी की नहीं है? जनाब, आप इत्मीनान से मेरी बात सुने तो अर्ज करूं। बूढ़े ने कहा, जी बराहे करम, मेरा कोई इरादा आपसे लड़ने का नहीं है। आइए आप कमरे में पहले तशरीफ लाइए। वो इन्हें एक साफ सुथरे कमरे में ले गया जहाँ चंद मोंढे पड़े हुए थे और एक जानब बिस्तर लगा था। और उन घोड़ों बगियों की दास्तान भी अजीब है जनाब। बूढ़े ने बिस्तर पर लेटे हुए उनसे कहा, तबरेज़ी और नादिर जमान उसके करीब ही मोंढों पर बैठ गए। मेरा नाम जीगम है और मैं इस इलाके में गुज़िश्ता 50 बरस से आबाद हूँ। ऐसा अजीब गरीब वाक़ा मुझसे कभी पेश नहीं आया। ये कोई 1 साल पहले की बात है। सूरज ग़ुरूब होने वाला था। मेरे बेटे और पोते इस रोज़ किसी तकरीब के सिलसिले में जलालाबाद गए हुए थे। मैं यहाँ तनहा था। इस इलाके में सूरज ग़ुरूब होने का मंजर बहुत हसीन होता है और मैं इसे बड़े शौक़ से देखने का आदी हूँ। चुनाचा टहलता टहलता अपने मकान से दूर एक सड़क पर निकल आया जो सीधी जलालाबाद को जाती है। अभी मैं शफक के सुनहरी नारंगी और सुर्ख रंगों में गुम था कि मैंने कुछ फासले पे घोड़ों के दौड़ाने की आवाज़ सुनी। हर आन बढ़ते हुए अंधेरे में मुझे एक शानदार घोड़ा गाड़ी दिखाई दी जो इसी सड़क पर आ रही थी। वे इसमें स्याह रंग के 2 कदावर और बेहद कीमती घोड़े जते हुए थे। गाड़ी का रंग भी स्याह था। देखते देखते गाड़ी मेरे करीब आकर रुक गई। घोड़े पर सीने में नहा रहे थे और पता चला कि बहुत दूर से आ रहे थे। कोचबान की नशिस्त पर स्याह लिबास पहने हाथों में लंबा सा चाबुक था। मैं एक उधेड़ भारी मजबूत जिस्म का आदमी था। वो छलांग लगा के नीचे उतरा। पहले उसने दोनों घोड़ों की पुश्त और गर्दन पर बारी बारी हाथ फेरा। मैंने देखा कि घोड़े नामालूम दहशत से कांप रहे थे। फिर उस कोचबान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल के हाथ अंदर बढ़ाया और चंद लम्हे बाद एक हसीन और जमील नाजनी को सहारा दे के बाहर निकाला। मैंने ऐसी खूबसूरत औरत ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। वो रूसी जोड़ा पहने हुए थी, लेकिन ये देख के मुझे अजहद ताजुब हुआ कि वो ज़ारो कतार रो रही थी। फिरोज़ा, मेरी फिरोज़ा, तबरेज़ी ने कहा और उसकी आंखों से टपटप आंसू गिरने लगे। मुझे माफ़ कर देना फिरोज़ा, मैंने तुम पर बड़ा जुल्म किया। क्या वो लड़की आपकी कोई अजीज़ या बेटी थी? बूढ़े जीगम ने पूछा। हाँ, वो मेरी हकीकी भांजी है। मैं उसी की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ, तबरेज़ी ने फटते गम से निडाल होते हुए जवाब दिया। जिस शख्स को तुमने देखा वो जलालाबाद का अपने आप को सूबेदार कहता है और मैंने उसी से अपनी भांजी की शादी करा दी। खैर, तुम आगे सुनाओ फिर क्या हुआ। लड़की उसके पंजे से आज़ाद होने के लिए हाथ पांव मारने लगी और उसके रोने की आवाज़ मज़ीद बुलंद हो गई। मुझसे रहा ना गया। मैंने आवाज़ देकर कहा कि कौन हो तुम और इस बेचारी से ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो? जवाब में उस शख्स ने ज़ोर से तमाचा मेरे मुंह पे मारा कि मैं उलट कर ज़मीन पे गिर गया और फिर मुझे तन बदन का कुछ होश ना रहा। आँखें खुली तो मैं अभी तक इसी जगह पड़ा था। आसमान पर तारे झिलमिला रहे थे। थोड़ी देर बाद पिछले पहर का चाँद भी निकल आया। मैंने गर्दन घुमा के दाएं बाएं देखा तो आप लोग मेरी हैरत का अंदाज़ा नहीं कर सकते। मैंने स्याह गाड़ी दोनों घोड़ों को उसी मुकाम पे खड़े पाया। खुदा जाने वो पुरसरार कोचबान उस मासूम सिर्फ लड़की को लेके कहाँ गायब हो गया। उसके तमाचे की जड़ से मेरी गर्दन और जबड़ा बुरी तरह दुख रहा था। किस्सा मुख्तसर, मैं उठ के गाड़ी के करीब गया और खुलने वाले दरवाजे से अंदर झांका। उसमें कोई ना था। फिर मैंने घोड़ों की बाग पकड़ी और उन्हें गाड़ी समेत अपने मकान पर ले आया। ये है वो दास्तां। आपने घोड़े सहन में बंदे देखे, गाड़ी भी वही मौजूद है। वो दिन और आज का दिन है। उस शख्स का मुंतजर हूँ जो अपनी गाड़ी और घोड़े छोड़ के ना जाने कहाँ चला गया। मेरे बेटे पोते वापस आए तो मैंने उन्हें सारा किस्सा सुनाया। उन्होंने मीलों तक एक खंडर तक उन्होंने जाके देख डाला, लेकिन उस लड़की का कहीं पता ना चला और ना ही उसे घसीट के ले जाने वाले शख्स का पता चला। इस दास्तान ने तबरेज़ी और नादिर ज़मान दोनों पर अजीब असर किया।
एक की आंखें तड़ती, दूसरे की खुश थी, एक फिरोजा का सब कुछ था और दूसरा कुछ भी नहीं। एक का गम ज़ाहरी था, दूसरे का बातनी। जब वो वापस आलीशान हवेली में पहुँचे तो अंदोलन से उनकी हालत मुर्दों से भी बदतर थी। इस सफ़र में तबरीज़ी पर यह हकीकत मंकशफ हुई थी कि नादिर ज़मान के तस्वुरात और ख्यालात पे किसकी हुक्मरानी है, और उसे अंदाज़ा हो गया था कि नादिर ज़मान के दिल पे क्या बीत रही है। सो आखिरी तस्वीर का ये एपिसोड 2 था और इसका एपिसोड 3 जी मैं कल आप लोगों को सुनाऊंगी। कि फिरोज़ा की उन्होंने जिस शख्स से शादी की ना उस शख्स का पता चला, कई साल वो उसे ढूंढते रहे और जब वो पहुंचे तो उसकी घोड़ी और बग्घी देख के जिस शख्स ने उन्होंने दरियाफ्त किया, उन्होंने बताया कि वो तो उसके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा था और वो उसे ना जाने कहाँ लेके चला गया। सो उम्मीद करती हूँ आखिरी तस्वीर का आपको एपिसोड 2 भी बहुत अच्छा लगा होगा। इसके बारे में जी फीडबैक दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे जी मरियम काजी की लाइव रिक्वेस्ट आई हुई है, ये आखिरी रिक्वेस्ट लेना मैं पसंद करूँगी। अबू ज़्यादा, लेट्स सी व्हाट ही सेज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अब ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे जी, चले ठीक है, आखिरी लाइव भी रिमूव करता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? मैं जमाल बात कर रहा हूँ, मलीरकंड कराची से। ओके जमाल, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी मेरे पास एक स्टोरी है, तकरीबन ये कोई मैं जब 7 साल का था जब की है। जी, मेरा कजन मतलब कि हम तीनों एक साथ हिफ्स कर रहे थे, मैं, मेरा कजन और उसका भाई। तो जब हम लोग हिफ्स कर रहे थे तो उस टाइम पे हमारे साथ कुछ इस तरीके से होता था, उसके साथ ज़्यादा होता था, हमारे साथ इतना नहीं होता था कि जब हम लोग पढ़ रहे होते थे। जमाल, मैं आपकी बात काटूंगी, प्लीज आप थोड़ा लाउडली बोलेंगे ताकि आप उसे फेसबुक पे भी सुन पाए। मैं कह रहा हूँ जब हम लोग जो है रात में पढ़ रहे होते थे जी, सबक वगैरह याद कर रहे थे, उस टाइम पे इस टाइप की कुछ चीज़ें होती थी कि मेरे कजन को एकदम से जो है कोई मतलब के माता था, उसकी तबीयत खराब हो जाती थी, एकदम से उसे लाना शुरू कर देता था। अच्छा। और हम लोगों ने जो है तकरीबन कोई जल्दी ही कर लिया था, और बहुत उसने उसको बहुत टाइम लगता था, उसको मतलब के बहुत ज़्यादा उसकी पहले तबीयत खराब हो जाती थी और वो कर नहीं पाता था। जब हमने दिखाया उसको कहीं से तो मतलब मौलवी वगैरह को जिस तरीके से दिखाते हैं, अपने कायसे वगैरह से बात करवाई थी, तो उन्होंने का जो है बताया कि इसने मजाक उड़ाया था जिन्नात का। अच्छा। पढ़ते वक्त भी किसी टाइम पे, तो उनको वो बात बुरी लगी, और अब जब भी ये मतलब कि किसी भी चीज के लिए पढ़ता है या फिर कुछ भी अपनी जिंदगी में करेगा तो इसको जो है रुकावटें आएंगी। अच्छा। और उन्होंने ये भी बताया कि इसको जो है माफी मांगना पड़ेगी उन जिन्नात से जिनका इन्होंने मजाक उड़ाया, और बकायदा वो कोई हिंदू जिन्नात थे जिसका उन्होंने मजाक उड़ाया। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि भले कोई भी आप इस तरीके से बात कर रहे होते हैं, लेकिन प्लीज 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 फॉर से आप मजाक नहीं उड़ाया करें इस चीज का। कुरान के अंदर भी लिखा हुआ है और तमाम हदीस किताबों में, यहाँ तक कि गैर मुस्लिम जो है वो भी इस चीज को मानते हैं कि वाकई में ये चीज होती है। जी जी बिल्कुल। So I request you all to your live channel कि please इस चीज़ का मजाक ना उड़ाया करें। और एक और भी चीज़ के
जो भी हम कचरा होता है ना वो भी इस तरीके से जैसे विंडो खोल के हम फौरन बाहर फेंक देते हैं या फिर किसी भी गंदी जगह पे हम लोग फेंक देते हैं, ये भी चीज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि गंदगी से ही और क्या पता वहाँ पे जिन्ना खाना खा रहा हूँ या बैठे हूँ कि आप उनको मार देते हो एक चीज़ या फिर फेंक देते हो तो वो उस चीज़ से भी हर्ट होता है। तो इन सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए कि मतलब कि कोई चीज़ अगर नहीं भी नज़र आ रही होती तो आपको यार ये ध्यान में रखना चाहिए कि यार वहाँ पे कोई हो सकता है। चलिए जी ठीक है, थैंक यू सो मच जमाल खान, आपने यहाँ पे एक वाक्य शेयर किया और ये बातें बताई, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपकी आवाज़ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। सादिक काजी की बहनें कह रही हैं कि उनकी रिक्वेस्ट ले लें जी सादिक काजी, अगर इनका नेट नहीं सही हुआ फिर मैं कैंसिल कर दूँगी बिकॉज आई थिंक पहले भी मैंने की थी नेट का इशू आया था। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सादिक काजी आप कुछ सुनाना चाहेंगे? जी मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रहा था तो अभी मेरी कॉल मिली है। मैं ये वाक्य बिल्कुल सच्चा वाक्य है, ये मेरी दादी सुनाती हैं, ये है जब वो छोटी थी मेरी दादी 10 साल की, ये जब का वाक्य है। अब आ रही मेरी आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है आपको, सब सुन रहे वाक्य सुनाएगा जी। तो ये मेरी दादी जब 10 साल की जब का वाक्य है, वो ये उनकी दिल्ली में ना बहुत बड़ी हवेली थी मेरी दादी के वालिद साहब की, तो उन्होंने अपना बैकयार्ड वाला पोर्शन जो है ना रेंट आउट किया हुआ था दो मियाँ बीवी को। तो उन उस मियाँ जो हस्बैंड थे उसको कोई और लड़की पसंद आ गई, तो उसने अपनी जो बीवी थी उनको पान में जहर मिला के जो है वो दे दिया। अच्छा, जिससे जो आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, आप सुनाए। मिला के दे दिया और फिर जिससे उनकी बीवी की डेथ हो गई, तो उन्होंने रातों रात अपनी महबूबा के साथ मिलके अपनी बीवी की लाश को ठिकाने लगा दिया और पूरे मोहल्ले में मशहूर कह दिया कि उनकी बीवी जो है ना वो उनके सारा पैसा लेके भाग गई। तो खैर इंक्वायरी वगैरह उनके इंक्वायरी हुई तो फिर जब चीजें सेटल डाउन हो गई तो फिर उन्होंने अपनी महबूबा के साथ शादी कर ली। शादी वाली रात को जो है वो अपने कमरे में जब उन्होंने अपनी जो नई बीवी उनका जो घूंघट उठा के देखा तो वो हैरान परेशान रह गए। उनकी जो बीवी थी जो नई वाली बीवी थी वो जब वो जो है उनकी शक्ल जो है बिल्कुल उनकी पुरानी वाली बीवी की तरह। अच्छा, उन्हें उनका समझ में नहीं आया। वो बोल रहे हैं कि भाई ये वो उनका डर के मारे जो है वो वहीं पेशाब निकल गया और उन्हें जो है कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या करूं। फिर उन्होंने बोला तुम कैसे आ गई, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें क्या लगा तुम गलत काम करोगे और तुम्हें अब इंसाफ लेने नहीं आऊंगी। तो उन्होंने कहा तुम आखिर चाहती क्या हो, तो वो बोले मैं तुम्हारा खून और इंसाफ चाहती हूँ। ये कह के ना उन्होंने अपने हस्बैंड की जो थे उनका कत्ल कर दिया। ये सब जो है उनकी नई वाली बेगम भी देख रही थी, वो ये सब देख के जो है वो बेहोश हो गई। सुबह जब वो उठी तो उनके सामने जो है सारे मोहल्ले वाले और पुलिस वाले जमा थे, तो उन्होंने सारा रात वाला वाकया सुनाया तो किसी ने उनकी बात पे यकीन नहीं किया और उनके खिलाफ जो है वो बोल्ड केस हो गया। सारे सबूत जो है उस रू ने जो है उस औरत के जिन्होंने आदमी के साथ मिलके उसकी लाश को ठिकाने लगाया था उसके खिलाफ कर दिए। उन्हें जो है अपने उसके शोहर के कत्ल के जुर्म में सजाए वो उम्र कैद की सजा हो गई। वो जेल में गई ना, उन्हें सजा हो गई। जब वो जेल में गई तो उन्हें दोबारा वो रू नजर आई। उन्होंने उस रू से बोला भाई तुम मुझे भी मार देती, मुझे क्यों इतनी बड़ी सजा थी उम्र भर की जो मैंने किया था। तो उन्होंने बोला नहीं तुम्हारी सजा तो इससे भी बड़ी है और ये तुम्हारी सजा कुछ भी नहीं, आखिरत में तुम्हारी बहुत ज्यादा सजा है। तो वो ये वाक्य जो है मेरी दादी सुनाती है कि ये बिल्कुल सच्चा वाक्य है और ये वाक्य। अच्छा जी, थैंक यू सो मच सादिक काजी, आपने यहाँ लाइव पे वाक्य सबके साथ शेयर किया। जी टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। सो जी सादिक काजी लास्ट लाइफ पे जिन्होंने वाक्य मेरे साथ शेयर किया, यहाँ मैं सबको एक बात बताती चलूँ जी, जो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं जो है ग्रैनी टिफिन के नाम से एक सर्विस है, फूड सर्विस वाकेंट में, जो कि काफ़ी टाइम से फूड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बट क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है
और हमारी पॉपुलेशन का एक बड़ा तबका जो है तकरीबन 70% 75% लोग डेली वेजिस पे काम करते हैं, वो बेरोज़गार हो गए, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। सो इसलिए डैनी ग्रैनी के टिफ़िन के साथ मैंने हॉरर नाइट विद फिज़ा ने परखा बीट्स एंड बियॉन्ड वाह बचत पॉइंट, हम चार लोगों ने मिलकर कोलाब्रेशन करके एक डोनेशन का सिलसिला बनाया और हम लोगों ने गरीब लोगों को काफ़ी खाना फूड सर्विसेज प्रोवाइड की है। सो मेरी प्रीवियस स्टोरी में आपने उसके लिंक्स वगैरह और सारी अकाउंट्स वगैरह की डिटेल्स देखी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग भी डोनेशन कर रहे हों और इस तरह ये संगीन हालात में हमारे मुल्क में जो इस वक्त चल रहा है, मुल्क दुनिया कोई पर्टिकुलर किसी शहर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये इस वक्त ऐसा संगीन हालात चल रहे हैं और हमें आपस में मिल के इसको जो है इसका सामना करना है। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग डोनेशंस करें तो आप ग्रैनी टिफ़िन की जो पिछली मेरी स्टोरी लगी हुई है आप उस पर सारी डिटेल्स चेक करके वहाँ पे डोनेशन कर सकते हैं। अगर आप डोनेशन नहीं भी करते तो इस मैसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक कन्वे कीजिएगा ताकि वो डोनेशन कर लें और इस तरह कोई अल्लाह की राह में जो है ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये बल्कि हम लोगों की अपनी कोलाब्रेशन है, हम लोग को डोनेशन कर रहे हैं उसके अंदर ताकि हम गरीबों को खाना पहुंचा सके। तो आप भी इस डोनेशन टीम का अगर हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज़ उसमें डोनेशन कर दीजिएगा, उसकी सारी डिटेल्स मेरी स्टोरी पर मौजूद हैं। सो आप सबसे जी मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का काफ़ी मशकूर हूँ, काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। क्या आप लोग ये रात का वक्त निकालते हैं जी, मुझे सुनते हैं, मुझे अप्रिसिएशन देते हैं, इससे मुझे और हौसला अफजाई होती है, मेरा दिल करता है और मैं मज़ीद एफर्ट करूँ और मज़ीद कहानियाँ कुछ मज़ीद हकाइक लेके आपके सामने आऊँ। तो आप सबकी मैं बहुत एवरी सिंगल पर्सन एवरी इंडिविजुअल आप सबकी मैं बहुत मशकूर हूँ कि रात के इस वक्त आप अपना टाइम मुझे देते हैं। तो जी सबकी पहले हाजिरी लगा लूँ, काजी फुरकान, याया बड़ी, हमजा मेमन, टोरिस गर्ल, फेसबुक पे जी हमें सुन रहे हैं तारिक शाह, अब्दुल राफी, काजी सलू, इजन, लूसीफर द मॉर्निंग स्टार, हमजा, एस एच के अली शेख, लिब्रा क्वीन, बाकिर शाह, हमजा मेमन, जमाल खान, शफक सैयद, अली शेख जी, सब लोग सुन रहे हैं। आप सबके सुनने का, आपकी समातों की मैं बहुत मशहूर हूँ। और आपको एक और बात बताती चलूँ, सादी काजी कहते हैं डोनेशन का क्या तरीका है। जी डोनेशन का तरीका ये जब मैं लाइव एंड करूँगी ना, मेरी स्टोरी चेक कर लीजिएगा, उस पर ग्रैनी टिफ़िन के अकाउंट नंबर्स जो इजी पैसा अकाउंट और उनके आईबीएन सारे वो वहाँ पे ऐड किए हैं, आप उन पे डोनेशंस कर सकते हैं। अच्छा ये आयशा काजी बिग फिज़ा फैन जी, थैंक यू सो मच, ये आपका मैंने नाम देखा। और सबसे मैं एक और बात ही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स फैमिली मेरा शो सुने तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें शेयर किया करें। और इवन अपने बायो के अंदर, जैसे मैंने शफक सैयद का देखा तो उन्होंने अपने बायो में लिखा हुआ था कि फॉलो हॉरर नाइट विद फिज़ा, ऐसे आप लोग भी अपने बायो में हैशटैग हॉरर नाइट विद फिज़ा लाजमी लिखेगा ताकि आपसे कोई शख्स पूछे कि बायो में किसका हैशटैग है तो बता देगा जी फिज़ा का हम शो सुनते हैं। वो इस तरह इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पेज पर एक लाइव शो करती हैं और आप वो बायो में लिखने के बाद स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कीजिएगा ताकि वो मैं अपनी स्टोरी पे लगाऊं, आप लोगों को शॉर्ट आउट भी मिल जाए। और इसके अलावा जी आप सबको ये मैं बताना चाहूँगी कि जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे सुन रहे स्पेशली वो लोग मेरा फेसबुक पेज लाजमी लाइक कीजिएगा, हॉरर नाइट विद फिज़ा फेसबुक / HNWF3AM लिख के आप सर्च कीजिएगा। इसके अलावा ये जो शो है ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा होता है और इसको रिकॉर्ड करने के बाद मैं यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ, क्योंकि टाइमिंग की वजह से मेरे काफ़ी ऐसे लिसनर हैं जो मुझे अगले दिन सुनते हैं, टाइमिंग उनकी मैच नहीं हो पाती तो इसलिए इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ। आप यूट्यूब पे जाइएगा, हॉरर नाइट विद फिज़ा लिखिएगा, यूट्यूब / हॉरर नाइट विद फिज़ा लिख के सर्च कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको एटलीस्ट 1K तक तो पहुँचा ही दीजिएगा। और उसको सब्सक्राइब करके आप वहाँ पे ये शो
اپنے فیملی کے ساتھ فرینڈس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہ لوگ انسٹا پہ اس کو سن سکیں, اس کو یوٹیوب پہ سن سکیں. اس کے علاوہ ٹویٹر پہ بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں, ہر جگہ جی فالو کر دیجیے گا لازمی. اور ہارر نائٹ وتھ فضا میں میں فضا آپ کی میزبان روزانہ کچھ حقائق کچھ واقعات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں. آپ کو ڈرونی چیزیں جنات بھوت پریت, کیونکہ یہ میرا انٹرسٹ ہے, یہ کنٹینٹ میرا فیوریٹ کنٹینٹ ہے, اس لیے میں اسی پہ شو کرتی ہوں. اگر چاہوں جی میں شعر و شاعری اور کافی ساری چیزیں کر سکتی ہوں, بٹ یہ میرا کنٹینٹ ہے, مجھے بہت پسند ہے. سو یہاں پہ آج جو ہے گالیاں دینے کی وجہ سے کچھ لوگوں کو میں نے بلاک کر دیا تھا, اور ان کے فرینڈس کہہ رہے تھے کہ ان کو رولس کا پتہ نہیں تھا, تو انہیں کہہ دیا کہ آپ مجھے فیس بک پیج پہ بھی جا کے سن سکتے ہیں. ہیل گیٹس کہتی ہیں لڑکیاں گالیاں کیوں نہیں دیتی. جی لڑکیاں گالی کیوں نہیں دیتی, لڑکوں کی گالی لڑکا لڑکی کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے. دانیال آپ کا نام لے لیا. خیر جی آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ جو وقت ہوتا ہے رات 3 سے 5 بجے تک کا, سائیکولوجسٹ کہتے ہیں اور کافی ڈیمنالوجی ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے جس میں ہیومن باڈی اسپریچولی 70% ویک ہوتی ہے, کیونکہ یہ ہمارے سونے کا وقت ہوتا ہے. اور کئی ایسی مخلوقات جن پری چڑیل بھوت ہمسات جو ہمیں نظر نہیں آتے, یہ بیسیکلی ان کا وقت ہوتا ہے. سو اس وقت انسانی باڈیاں اسپریچولی 70% ویک ہوتی ہیں اور کئی چیزیں پھر رہی ہوتی ہیں, جاگ رہی ہوتی ہیں, کئی روحیں پرواز کر رہی ہوتی ہیں. اور جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ہماری طرف بڑی گمانی سے دیکھتی ہیں کہ آیا یہ شخص ہمارا ذکر کر رہا ہے, اور بے شک وہ موجود ہیں, ان کی وجود سے انکار نہیں ہے, کیونکہ قرآن پاک ان کی گواہی دیتا ہے. بار بار قرآن پاک میں جنوئنس کا ذکر ہے, بار بار قرآن پاک ان کی گواہی دیتا ہے. سو جب ہم ان کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں آیا یہ شخص ہمارے بارے میں بات کر رہا ہے, تو ہو سکتا ہے اس وقت آپ جس روم میں لائٹس آف کر کے مجھے سن رہے ہیں, یا پھر آفس میں بیٹھے ہوئے مجھے سن رہے ہیں, یا گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے, ہو سکتا ہے آپ کے کمرے میں کوئی ابیری من ہو, کوئی مسٹر زوزو ہو, آپ کے بیڈ کے نیچے وہ چڑیل جس سے آپ ڈرتے ہیں, پردے کے پیچھے سے جھانکتی ہوئی وہ لڑکی. جی ہاں دیکھیے کچن کے پاس سے گزرتا ہوا وہ سایہ, وہم نہیں تھا آپ کا, وہ واقعی کوئی تھا, میں نے بھی اسے دیکھا. رات کے 3 بجے کے بعد کچن کے نلکے سے آنے والی وہ سرگوشیاں, آپ نے بھی وہ سنی ہیں؟ میں نے تو سنی ہے. خیر بات ڈرنے کی نہیں ہے, کیونکہ آپ تو اشرف المخلوق ہیں. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, دا ڈیڈ ڈو ناٹ ہرٹ بٹ دا لیونگ ون ڈز. سو آج کے شو میں اپنی میزبان اپنی ہوسٹ اسٹوری ٹیلر فضا کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا, کل پھر کچھ نئے حقائق کچھ نئی کہانیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. بائے بائے, ٹیک کیئر, اللہ حافظ, فی امان اللہ. Thank you.
तो खुद